जर्मनी के कोबलेंस और बिंगेन शहरों के बीच फैली पहाड़ियां और अंगूर के खेत। राइन नदी के किनारे फैला ये इलाका मध्य राइन घाटी है। यहाँ बहुत से पुराने किले हैं, कुछ तो खंडहर हो गए पर कुछ की खूबसूरती बनी हुई है। हर साल 2 करोड़ सैलानी यहाँ आते हैं। बोट में बैठकर इलाके का नजारा ही कुछ और दिखता है। छोटे छोटे शहर, अंगूर के खेत और राइन की अपनी खूबसूरती, इन सब की वजह से ये इलाका दुनिया के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक है। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पैसे वसूल हो गए। हम इस जगह से बहुत प्रभावित हैं। यहाँ के किलों और खंडहरों में मेरी बहुत दिलचस्पी है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य राइन घाटी में दुनिया के सबसे ज्यादा किले हैं। इनमें ज्यादातर 12वीं और 15वीं सदी में बने। राइनश्टाइन किला भी इनमें से एक है। ये राइन नदी से लगभग 90 मीटर की ऊंचाई पर है। मध्यकाल का ये किला लंबे वक्त तक खंडहर की तरह पड़ा रहा, लेकिन 19वीं सदी में इसे दोबारा तैयार किया गया। इसकी कहानी 13वीं सदी में शुरू होती है। माइंस शहर के आर्च बिशप के अधीन ये किला कस्टम वसूलने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन ये 19वीं सदी में ज्यादा चर्चा में आया। पर्शिया के एक राजकुमार ने 1823 में इसे खरीद लिया और इसे गर्मियों का अपना घर बना लिया। वो गर्मियों के दिन यहाँ के माहौल में बिताना पसंद करता था। किले की दूसरी चीजों के अलावा यहाँ का फर्नीचर और काम किए गए शीशे भी खास हैं। ये सभी मध्यकाल की याद दिलाते हैं। नदी के किनारे 10 किलोमीटर दूर चलने पर खास घाटी का शहर बाखराख। मध्यकाल में ये एक बड़ा कारोबारी शहर हुआ करता था। यहाँ लकड़ी और वाइन का व्यापार होता था। तेरहवीं सदी का टूटा हुआ ये चर्च बाखराख शहर की निशानी है। मध्य राइन घाटी का निचला हिस्सा अंगूर की खेती के लिए मशहूर है। ये रोमनों की विरासत है। करीब 1700 साल पहले वे वाइन लेकर यहाँ पहुंचे थे। मध्य राइन घाटी की एक खासियत वाइन ग्रोवर फ्रीडरिश बास्टियान भी हैं। नदी के बीच में हाइलेजन वैर्थ पर वो 2 हेक्टेयर जमीन पर अंगूर की खेती करते हैं। यहाँ तैयार वाइन को खास खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाता है। मध्य राइन आकार के हिसाब से छोटा इलाका है। 400 हेक्टेयर के साथ जर्मनी का दूसरा सबसे छोटा इलाका, लेकिन यह काफी लंबा है। राइन के किनारे यह लगभग 120 किलोमीटर की दूरी तक फैला है। इसकी वजह से यहाँ अलग अलग वाइन का स्वाद भी अलग अलग होता है। Blumiger, viel runder. यहाँ से नदी किनारे 10 किलोमीटर दूर मशहूर लोरेलाई चट्टान है। ये नदी से 125 मीटर की ऊंचाई पर है। परिकथाओं के मुताबिक इसकी खूबसूरती में नाविक ऐसे उलझते थे कि उनकी नाव पहाड़ी से टकरा जाती। हमारा एक खास लक्ष्य है। हम चाहते हैं कि घाटी में कार और साइकिल चलाने वालों की तादाद कम हो, इसलिए हमने राइन देखो प्रोजेक्ट शुरू किया। इसमें कई पड़ाव होंगे, आप राइन के किनारे तक जा सकेंगे, बैठ सकेंगे, अच्छी वाइन पी सकेंगे और नज़ारे भी देख सकेंगे। मध्य राइन घाटी का मजा लेने के कई तरीके हैं। मिसाल के तौर पर ट्रैकिंग, राइन के किनारे जितना ऊंचा चाहें चढ़ सकते हैं। कोबलेंस में भी टहलने का अलग मजा है। शहर यूनेस्को की विश्व ऐतिहासिक धरोहर है। कोबलेंस के प्रतीक चिन्ह के पास जर्मन कॉर्नर पर मोजेल और राइन नदियों का संगम है, और यहीं मध्य राइन घाटी का ऊपरी हिस्सा खत्म होता है।